की और केवल वृंदावन की बात करो आप, तो मैं आपको बता दूं कि जितने पूरे विश्व में तीर्थ हैं, वृंदावन से ज़्यादा आकर्षण किसी भी तीर्थ का नहीं, क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण की ये भूमि है और भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भी थे और प्रेम पुरुषोत्तम भी थे। आजकल जो भी द्वंद्व चल रहा है पूरे विश्व में, घरों में, परिवारों में, अपने आप में, उसका दूर करने का एकमात्र उपाय प्रेम, और वो प्रेम का संदेश वृंदावन से प्राप्त होता है। यहाँ आते ही लोगों को एक यहाँ की प्रेम की ऊर्जा, प्रेम की हवा, प्रेम का वातावरण, एक प्रेम का ऐसा परिवेश प्राप्त होता है कि यहाँ आते ही वो व्यक्ति धन्य धन्य हो जाता है। चाहे वो यहाँ के मंदिरों में, देवालय में ना भी जा सके, केवल अगर इस ब्रजभूमि में, इस पंचकोशी के भीतर भी एक बार प्रवेश पा जाता है तो वो आनंदित हो जाता है। अब रही भीड़ की बात, भीड़ अब क्यों हो रही है? क्योंकि भीड़ तो पहले भी होती थी, हमने बचपन से देखा है कि प्रारंभ में यहाँ बहुत गिने चुने लोग आते और धीरे 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 भीड़ बढ़ी तो फिर शनि और रवि को लोग आने लगे, या फिर अमावस्या के दिन आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है तो ग्रामीण क्षेत्रों के हमारे जो भक्त हैं और वो बड़ी संख्या में आते थे। अमावस्या की अमावस्या पूर्णिमा एकादशी को परिक्रमा लगाने आते थे, और इसी तरह से धीरे धीरे बाहरी लोगों का यहाँ पर रुझान बढ़ा और धीरे धीरे कुछ बांके बिहार जी का कुछ ऐसा नाम आगे बढ़ा कि बांके बिहार जी को लेकर के कुछ ऐसी कुछ कथावाचकों ने, कुछ संतों ने और कुछ आध्यात्मिक क्षेत्रों के लोगों ने रासलीलाओं के माध्यम से, भागवत के माध्यम से, इन कथाओं के माध्यम से पूरे देश विदेश में वृंदावन को उस स्थिति में पहुंचा दिया कि लोगों के जनमानस में वृंदावन अच्छी तरह बैठ गया और सबके मन में ये उत्सुकता बनी कि हम भी जाएं वृंदावन, हम भी जाएं वृंदावन, हम भी जाएं वृंदावन। अब इस समय भीड़ क्यों हो रही है? प्रश्न ये है, बहुत ज़्यादा हो रही है। भीड़ तो बढ़ी, धीरे धीरे बढ़ी, और धीरे धीरे इतनी बढ़ी जो भीड़ शनि रवि को होती थी वो प्रायः और अन्य दिनों में भी होने लग गई थी। तो भीड़ का स्तर तो जब भी काफ़ी बढ़ चुका था। अब जो भीड़ बढ़ी है उसका तो मैं एक मूल मात्र कारण यही जानता हूँ कि लोग बाग दुखी थे, लोग बाग अत्यंत परेशान थे, अपने कारोबारों से परेशान थे, अपने वातावरण से, आस पड़ोस के से परेशान थे, और राजनीतिक दृष्टि से परेशान थे, आध्यात्मिक दृष्टि से परेशान थे, भौतिक दृष्टि से बहुत परेशान थे, सब बहुत कोई ना कोई चिंता परेशानी जैसे रहती है। तो ये कुछ चरम पे आ चुकी थी लगभग। एकाकी ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी कि कोरोना आ गया, और इस कोरोना काल ने एक ऐसा थपेड़ा मारा कि सारी दुनिया एक तरह से पूरा काल चक्र रुक गया जो कभी रुकता नहीं। और बाद में जैसे ही ये कोरोना काल समाप्त हुआ, वो जो लोग घर में बैठ करके साधना संपन्न हो गए थे, अब उन साधना संपन्न लोगों को मौका मिल गया और अब वो उस घबराहट से बचने के लिए दौड़ दौड़ करके आ करके और आज ठाकुर जी के दरबार में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। हे प्रभु, आपकी कृपा से हम बच गए, नहीं बचते तो आपका दर्शन कैसे कर पाते। इसलिए अब जो हमारा शेष जीवन बचा है, हम चाहते हैं आपके चरणों में प्रेम हो, भक्ति हो, और इन तीर्थों का, इन संतों का, इनका दर्शन हो। इसी भावना से लोग एकदम भावुक हो उठे और उस भावना से भरपूर होकर, उत्प्रोत होकर के अब इस कोरोना काल से घबराए हुआ वह जीवात्मा, वह जो भीड़ है, वह जो लोग हैं, और इसीलिए अधिक से अधिक संख्या में लोगों ने मान लिया है कि भैया ये काल अब कभी भी आ सकता है। इन्होंने काल को सामने देख लिया है, तो इस कोरोना काल ने भगवान को और उस मौत को याद दिला दिया है। इसीलिए लोग भगवान की शरण में, और विशेष करके करुणा निधान जो हमारे अत्यंत और सभी भक्तों के ऊपर अकारण करुणा वर्णालय, अकारण कृपा करने वाले, करुणा करने वाले श्यामा श्याम हैं। उन राधा रानी के, उन गिरिराज भगवान के, उन वांके बिहारी के, उन जमुना मैया के और इन ठाकुर जी के चरणों में सब लोग आ रहे हैं। मुख्य रूप से तो केवल यहाँ पर भीड़ बढ़ने का यही एक बात। देखते रहिए धर्म की आवाज़, धर्म की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य।